Do UI UX designers need to code? क्या UI UX designers को code करने की ज़रूरत है? Is it necessary for UI UX designers to understand the code? क्या UI UX designers के लिए code को understand करना necessary है? What benefits did UI UX designers get when they understand the code? वो कौन से benefits हैं जो UI UX designers हासिल करते हैं जब वो code को understand करते हैं? In this video, we will discuss all these questions and try to find out the answers of all these questions. इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे. Whenever a new person wants to make his career in the field of designing, जब भी कोई न्यू पर्सन डिजाइनिंग को अपना कैरियर पाथ बनाना चाहता है तो उसके जहन में बहुत से सवाल आते हैं और आज हम इस वीडियो में उन्हीं में से कुछ सवाल को डिस्कस करेंगे. एक सवाल जो बहुत से डिजाइनर्स को कन्फ्यूज करता है वो सवाल ये है कि बतौर डिज़ाइनर क्या मुझे कोडिंग लर्न करनी चाहिए या नहीं. तो यहाँ पर अब सवाल ये भी आता है कि डिज़ाइनर के माइंड में इस तरह का सवाल क्यों आता है कि मुझे कोडिंग लर्न करनी चाहिए या नहीं. सो द रीज़न बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज़ कि बहुत से डिज़ाइनर्स सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेज में उनके कोलीग्स डिवेलपर्स होते हैं और जब वो डिवेलपर्स के साथ बैठते हैं या उनके साथ काम करते हैं तो उनके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैंने अपना कैरियर पाथ सही चूज़ किया है, या मैं सही जगह पर काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे कोडिंग लर्न करनी चाहिए या नहीं. लेट्स कम टू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स स्टार्ट लर्निंग टू कोड. तो चलिए आइए हम ये जानते हैं कि क्या होता है जब यूआई यूएक्स डिज़ाइनर कोड को अंडरस्टैंड करने लग जाता है. इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रांजिशन योर कैरियर पाथ इनटू यूआई यूएक्स देन आई सजेस्ट ऑल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट कोड. बट यस, श्योरली दे डोंट हैव एनी नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ कोड. अगर आप अपना कैरियर पाथ यूआई यूएक्स की तरफ ट्रांजिस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑल यूआई यूएक्स डिजाइनर्स इस चीज को समझें कि कोड किस तरह लिखा जाता है या कोडिंग किस तरह की जाती है. सो नाउ द पॉइंट इज व्हाई यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हैव टू अंडरस्टैंड द कोड. सो पॉइंट ये है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को कोड अंडरस्टैंड करने की जरूरत ही क्या है. तो चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. डोंट यू थिंक इट वुड बी अ ग्रेट एंड रोमांटिक रिलेशनशिप व्हेन अ मेल और फीमेल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड देयर पार्टनर्स माइंड, केमिस्ट्री एंड थिंकिंग. और यही सब होता है जब यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स डिवेलपर के माइंड को समझने लग जाता है और वो डिवेलपर के माइंड को तभी समझेगा जब उसको कोडिंग की नो हाउ होगी. व्हेन अ यू आई यू एक्स डिज़ाइनर स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द कोड, जब भी यू आई यू एक्स डिज़ाइनर कोड को अंडरस्टैंड करने लग जाता है या वो डिवेलपर के माइंड को समझने लग जाता है, देन ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रपोज मोर वैल्यूएबल सॉल्यूशंस टू क्लाइंट. तो चलिए अब मैं आपको दो बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ जो कि यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स हासिल कर सकते हैं जब वो कोड को अंडरस्टैंड करेंगे. नंबर वन इज़ एडेबिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी. व्हेन अ डिज़ाइनर नोज द कोडिंग लैंग्वेज एंड नोज हाउ टू कोड, then that designer can easily communicate with team developers to take the project to a high level. जब भी UI UX designer ये समझने लग जाता है कि coding किस तरह की जाती है या code किस तरह लिखा जाता है तो वह अपने developers team members के साथ मिलकर अपने project को एक high level पर लेकर जा सकता है, क्योंकि designer developing के concept को mind में रखते हुए modules को design करेगा. और जब वो डेवलपिंग के कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करेगा तो डेवलपर्स टीम भी उनको इजीली डेवलप कर लेंगी और इस तरह प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी जल्दी और इजीली हो जाएगी. नंबर सेकंड इज कैरियर बूस्टिंग. वो डिज़ाइनर्स जो कोडिंग की नो हाउ रखते हैं वो अपने कैरियर को बूस्टअप भी ईजिली कर लेते हैं. वो अपने कैरियर को बूस्टअप क्विकली इस तरह कर लेते हैं तो डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज को गेन करते रहते हैं या फिर वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज हासिल करते रहते हैं जो कि उनको डिजिटल प्रोडक्ट में आगे लेकर जाती हैं. मुख्तसर ये कि वो डिज़ाइनर्स जिनको कोडिंग की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के लिए अच्छा एसेट साबित होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. समवन गिव अ टास्क टू डिज़ाइनर टू डिज़ाइन द बिजनेस कार्ड. अब डिज़ाइनर माइंड में डिफरेंट एस्पेक्ट्स रखते हुए बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करेगा. अब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, मैं किसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं क्यों डिज़ाइन कर रहा हूँ और ये डिज़ाइन कहाँ पर लाइव होगा. यहाँ पर डिज़ाइन के लाइव होने का मतलब है बिजनेस कार्ड की प्रिंटिंग. अब डिज़ाइनर ने बिजनेस कार्ड की प्रिंटिंग तो नहीं करनी ना,
लेकिन उसको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि प्रिंटिंग के वक़्त मेरा कौन सा डिज़ाइन का पार्ट कट हो जाएगा और क्या ये जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ प्रिंट होने के बाद यूज़र्स को अच्छा लगेगा भी या नहीं। एंड सेम थिंग इज़ फॉर UI UX डिज़ाइनर। जब भी UI UX डिज़ाइनर किसी मोबाइल या वेबसाइट की स्क्रीन को डिज़ाइन करने लगता है तो उसको भी अपने माइंड में यही 4 एस्पेक्ट्स रखने पड़ते हैं कि मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं किसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं क्यों डिज़ाइन कर रहा हूँ और ये मेरा डिज़ाइन कहाँ पर लाइव होगा। और यहाँ पर डिज़ाइन के लाइव होने का मतलब है कि कौन से यूज़र्स मेरे इस डिज़ाइन को यूज़ करेंगे और ये तभी मुमकिन है जब UI UX डिज़ाइनर ये जानता हो कि कोडिंग किस तरह की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच एंड हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड अ UI UX डिज़ाइनर हैज़ टू नो। अब सवाल ये है कि वो कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक UI UX डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए। एक UI UX डिज़ाइनर्स को कम अज़ कम 3 लैंग्वेजेस के बारे में पता लाजमी होना चाहिए। नंबर 1 इज HTML, नंबर 2 CSS एंड नंबर 3 इज JavaScript। व्हाट इज HTML? HTML इज द एब्रीविएशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस का एब्रीविएशन है। HTML आपको अपनी वेबसाइट में किसी भी किस्म का कंटेंट ऐड करने में हेल्प करती है। व्हाट इज CSS? CSS इज द एब्रीविएशन ऑफ कैस्कोडिंग स्टाइल शीट। जो आपने HTML की मदद से अपनी वेबसाइट में कंटेंट ऐड किया था उसी कंटेंट को अब आप CSS की मदद से डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। व्हाट इज JavaScript? जो आपने कंटेंट HTML की मदद से अपनी वेबसाइट पर ऐड किया और उसको डिफरेंट स्टाइल भी दिए CSS की मदद से, अब आप अपने उसी डिज़ाइन को मोर इंटरेक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनाने के लिए JavaScript को यूज़ करेंगे ताकि यूज़र्स आपकी वेबसाइट को यूज़ करते हुए हैप्पी फील करें। इफ़ यू आई UX डिज़ाइनर्स नोज हाउ टू कोड देन इट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस बेटर प्रोटोटाइप। अगर UI UX डिज़ाइनर कोडिंग को अंडरस्टैंड करता है तो फिर वो बेटर प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सकता है। प्रोटोटाइप्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लें कि डिज़ाइनर प्रोटोटाइप्स की मदद से अपने क्लाइंट्स और टीममेट्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग दैट अ UI UX डिज़ाइनर नोज हाउ टू कोड। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर कोई UI UX डिज़ाइनर अपनी डेवलपर टीम्स के साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को एक इंटरेक्टिव वे में सॉल्व करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करना चाहता है तो उसके लिए कोडिंग को जानना एक अहम चीज़ है। और अगर वो डिज़ाइनर ऐसा कर लेता है तो इसका मतलब है कि जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहा है वो प्रोडक्ट एक बेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगी। लर्निंग टू कोड फॉर डिज़ाइनर्स इज नॉट नेसेसरी बट इफ़ ही नोज कोड देन ही कैन अंडरस्टैंड द डिवेलपर्स माइंड्स ईजीली। Now it's your turn. Let me know by leaving the comment. Are you going to learn basic coding language or not? If you want to transition your career path as a UI UX designer. Thank you so much guys for watching this video. If you have any question or comments regarding this video, pop them in the comment section. If you enjoyed the video, hit the thumbs up icon to like this video. Subscribe to my channel and press the bell icon to turn on the notifications. And we will see in next video with new topic. Till next time, take care and have a great day.